हमारे पार्टी के संस्थापक हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, उसकी मांग हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से की है। साथ ही में हम लोगों ने आग्रह किया है कि उसकी एक विशालकाय प्रतिमा उनकी पटना में जो उनकी कर्म भूमि रही है वहाँ पर उनकी वो प्रतिमा लगाई जाए। साथ ही में जिस तरीके से कोरोना की महामारी की दूसरी लहर हम लोगों ने देखी, संभावित तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता मजबूती से तैयार रहें, अपने जिले में, अपने प्रखंडों में, अपने पंचायतों में, अपने गांव में उनकी मदद करने का भरपूर प्रयास करें, उसका आग्रह किया गया है। बिहार और बिहार के साथ ही कई ऐसे अन्य राज्य हैं जहाँ पे बाढ़ से भी आने वाले दिनों में लोग प्रभावित हो सकते हैं। बिहार में तो ये निरंतरता में होता है, हर साल बिहार में बाढ़ आती है, तो उसमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, ये भी प्रस्ताव पारित किया गया। और साथ में ये प्रस्ताव कि जो मेरा चुनाव 2019 में हुआ था मेरे नेतृत्व में और जितने निर्णय मैंने इस दौरान लिए हैं उसमें कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों ने अपनी निष्ठा, अपनी आस्था जताई है, और यही तमाम प्रस्ताव थे जिनको हम लोगों ने पारित किया। आशीर्वाद यात्रा को लेकर के भी आपने कहा 5 तारीख से आप हाजीपुर में शुरुआत करेंगे यात्रा, और ये कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा? नहीं, बिल्कुल, हम लोग 5 तारीख से इस यात्रा की हम लोग शुरुआत करेंगे। आज जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे पिता के निधन के बाद मेरे चाचा जी के आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन की थी, ऐसे में जब उन्होंने अपना साया मेरे ऊपर से अलग कर दिया, तो ऐसे में ज़रूरत है मुझे कि मैं बिहार की जनता के पास जाऊं और उनका आशीर्वाद मैं लूं। और उसी दिशा में हम लोगों ने 5 जुलाई मेरे पिताजी का जन्मदिन होता है और जब तक वो जीवित थे इसको हम लोग धूमधाम से मनाते थे। इस बार भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि देश भर के हर एक ज़िले में उसी तरीके से उनका जन्मदिन मनाया जाए, पर साथ ही में उनकी कर्मभूमि हाजीपुर से मैं इस आशीर्वाद यात्रा की मैं शुरुआत करूंगा। और उम्मीद है कि जैसे अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर मैं इस यात्रा के लिए मैं निकल रहा हूँ, उसी तरीके से बिहार की हर एक माँ का, हर एक बहन का, हर एक बुजुर्ग का और एक हर एक युवा साथी का आशीर्वाद इसी तरीके से मिलेगा। जो लोग छोड़ के गए हैं, कह रहे हैं कि पार्टी का हमारा अगर वो आते हैं, चाचा जैसे आते हैं, तो क्या उनका स्वागत है? भाई, बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आज की तारीख में पार्टी किस तरीके से आगे, क्योंकि जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन लोगों ने पीठ में छुरा भोंका, उससे पार्टी के तमाम सदस्य बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आने वाले समय में पार्टी का संगठन जो भी निर्णय लेगा उस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।